हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ लून करण सर में और थोड़ा सा नाम लेते हुए मुझे दिक्कत हो रही है। लून करण सर कुछ ऐसा ही नाम है, लून करण सर। तो लून करण सर नाम यहाँ का क्यों पड़ा? बीकानेर की तहसील है यहाँ पे। आपको अभी मैं गुरुद्वारे में रुका, जरा आप देखो पीछे गुरुद्वारा है और मेरी साइकिल खड़ी है वहाँ पे। बाकी अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, बहुत मस्त जगह है, मैंने रास्ते में आते हुए देखा था, तो फिर मैंने वहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री निकाली, पढ़ी वहाँ के बारे में, तो आपको वहीं लेके जाऊँगा। ये खड़ी है अपनी साइकिल, ये खड़ी है। रात में यहाँ सोया था, पंखा लगा था और मैंने अपने पावर बैंक वगैरह भी सब कुछ चार्ज कर लिया है। तो इस गुरुद्वारे में रुका हुआ था रात में, देखो ये बिल्कुल रोड पर ही है। इस साइड से मुझे इस साइड जाना है, लेकिन मैं पहले झील की तरफ जाऊँगा। और ये खड़ी है साइकिल, बाहर ले आया मैं तो। झील यहाँ से थोड़ी दूर है, यहाँ पे एक झील है, वहाँ ले चलते हैं आपको, बहुत मस्त देखने की जगह। तो गुरुद्वारे के पास में ही थी तो ज़्यादा दूर आना नहीं पड़ा, कम से कम बस 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलेगी साइकिल। तो देखते हैं भाई साहब अभी मतलब क्या सिस्टम है ना, अभी लेके जा रहा हूँ, रास्ता देखता हूँ कहाँ से है कहाँ से नहीं, क्योंकि क्या पता अंदर दलदल भी हो, कुछ नहीं पता है ना। ये रहा रास्ता, ये रहा। तो रास्ता तो मिल गया, देखो ये रेता नहीं है, क्योंकि राजस्थान का रेता ऐसा नहीं है। ये वाइट वाइट देख रहे थे, नमक है, खारा है यहाँ का पानी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, व्यू देख रहे हो आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है भाई साहब। देखो ये वाइट वाइट जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये नमक है। और यहाँ पे जोर बहुत लग रहा है साइकिल चलाने में, क्योंकि साइकिल का जो टायर है ना वो नीचे धंस रहे हैं, गीली है ना थोड़ी मिट्टी। और यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है जब भी यहाँ बारिश होती है ना, यहाँ पे नमक ऑलरेडी है तो वो पानी अपने आप ही खारा हो जाता है, तो इसलिए खारे पानी की झील है अभी। ये तो सूखा हुआ है लेकिन उस साइड बहुत पानी है, दिखाएंगे आप। तो देखो ये ना नमक है ऊपर ऊपर, अगर आपको दिख रहा है, देखो नीचे मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर देखो ये वाइट वाइट नमक है, देखो देखो। और ये सारा नमक है जितना भी आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये देखो दूर दूर तक वाइट वाइट है। यहाँ पे थोड़ा गिल्ला है इसलिए थोड़ा ऐसा हो रखा है, नहीं यहाँ पे भी ऐसा ही वाइट वाइट है। और ये काफी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है लंबाई चौड़ाई। देखो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पक्षी इंडिया के नहीं है, ये ना बाहर से आते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोगों ने बताया। देखो ये यहीं उतरेंगे अभी, देखो ये अभी देखना, ये सारे यहीं उतर जाएंगे, अभी वहां पे भी आपको लेके जाएंगे। देखो नीचे जाते नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और ये यहीं उतरेंगे अभी देखना सारे। देखो आगे नीचे आगे वो उतरने लग गए, देखो काफी उतर गए हैं, देखो पीछे, और ये भी उतर जाएंगे। अब मैं अभी ठीक मौसम में आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो पक्षी आते हैं ना, ये यहाँ के जितने भी बंदे थे उन्होंने बताया कि बाहर से ये आते हैं, किसी और कंट्री के पक्षी हैं ये, तो ये यहाँ पे आते हैं इसी मौसम में आते हैं ये, जब सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो इसी मौसम में आते हैं, सेप्टेम्बर के बाद में, अगस्त के ख़त्म होने के बाद आते हैं। तो मैं सही मौसम पर आया यहाँ पर, मुझे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले के टाइम में ना यहाँ से नमक निकाला जाता था पूरे राजस्थान के लिए, और इसी वजह से इस जो सिटी का नाम है लून करसन पड़ा है। लून क्या है, लून जो राजस्थानी भाषा है नमक को बोलते हैं, वो लून पंजाबी में भी वैसे लून ही बोलते हैं, तो नमक की वजह से इस जो सिटी का नाम है वो लून करसन पड़ा है। साइकिल हमने वहीं खड़ी कर दी है, क्योंकि आगे ना यार देखो थोड़ा गिल्ला है, तो साइकिल चलाने में बहुत जोर लग रहा है। आपको झील दिखा के लेके आते हैं, आप उस साइड से चलते हैं थोड़ा ना, रास्ता थोड़ा ऐसा ही है, देखो क्या पता कहाँ पे दलदल हो, कुछ नहीं पता, पैर देख देख के रखना पड़ेगा। साइकिल अपनी वो खड़ी है बहुत दूर है, और मैं काफी दूर आ गया हूँ साइकिल से। ये वाइट वाइट ये सूखने के बाद अभी गीला है इसलिए वाइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले बारिश पड़ी है यहाँ पे, तो इसलिए गीला हो रखा है। तो जब ये धूप से सूख जाता है ना तो ऐसा दिखता है, जैसा देखो ये है वाइट, बिल्कुल वाइट, ये सारा नमक है। देखो ये देखो देखो यहाँ पे काफी और जानवर भी हैं, देखो ये देखो ये नील गाय की तरह है, नील गाय होती है ना जो,
और ये भाई साहब कितनी स्पीड भाग रहे हैं देखना, देखो कितनी बढ़िया गाइस यार, ये पूरा ही वाइट वाइट दिख रहा है, पूरा ही नमक है। और कितनी बड़ी झील है देखो, वहां से लेकर वो वहां तक। और अभी तो इस साइड बहुत दूर है, दिख नहीं जाओगा आपको कैमरे में, देखो। और यहाँ पे देखो क्या है, जब बारिश आती है ना तो यहाँ पे पानी भर जाता है, तो देखो ये नमक ठोस उसमें परिवर्तन हो गया इसका। ये देखो ये सारा ही नमक है, देखो ये कांच नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कांच है ना, ये नमक है देखो। और फिर पहले जब ये राजस्थान में पूरे यहाँ पे इतना डेवलप नहीं हुआ था तो सारा नमक यहीं से निकाला जाता था, राजस्थान में जितना भी सप्लाई होता था। देखो अभी तो बहुत सोर्स बन गए हैं, देखो ये सारा नमक है, देख रहे हो। इससे आगे जाया नहीं जाएगा क्योंकि यार पानी खड़ा है, देखो है ना, और पैर भी नीचे धंस रहे हैं। इससे आगे तो बहुत सॉफ्ट होएगी मिट्टी, देखो ये देखो। और मतलब अगर थोड़ा जोर से पैर लगा रहा हूँ मैं तो पूरे नीचे चला जा रहा है पैर। अब कोशिश करते हैं कि जो पक्षी हैं ना जो बाहर से आते हैं वो देखने जाते हैं, बाकी काफ़ी बड़े एरिए में है ये। मुझे ऐसे लग रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ। शूज़ की हाल तो देखो आप एक बार, तो ये रहे देखो वो पक्षी। उस साइड तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। देखो ये है वो पक्षी जो बाहर से आते हैं, देखो साइकिल के टायर पे पूरा नमक नमक हो चुका है ये देखो। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, मेरी पूरी स्किन जो है ना होठ वगैरह पे हवा चल रही जैसे, तो वो नमकीन सा लग रहा है मुझे। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बीकानेर के लिए। बीकानेर यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो देखते हैं भाई साहब कितना टाइम लगता है हमें 70 किलोमीटर तक जाने में। बाकी जोर बहुत लग रहा है राजस्थान में साइकिल चलाने में। ये आगे देखो वही पक्षी, देखो ये सारे विदेश से आते हैं यहाँ, देखो देखो ये सारे जो जितने भी है ना रात को यहाँ इस साइड रुके हुए होते हैं, ये देखो अब दिन होते यहाँ पे आ रहे हैं। देखो खारे पानी के पास ही आते हैं शायद, तभी आते हैं बाहर से। तभी मैं यहाँ से जा रहा था, देखो इस साइड बीकानेर है, यहाँ से 71 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ये रोड जा रहा था। और देखो भाई ने आवाज़ लगाई, भाई की दुकान है यहाँ पे, भाई ने आवाज़ लगाई कह रहे चाय पी के जाओ, तो काफ़ी बंदे पूछते हैं ना कि खान, तो भाई ने आवाज़ लगाई थी कि चाय पी के चले जाओ। देखो हेलो भाई, अंग्रेज क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश, तो भाई ने चाय रखी है, तो भाई जी ने नमकीन दे दी यहाँ से फाड़ के यहाँ। ये नगर निगम वगैरह इसमें सब साथ में आएंगे, नगर निगम से आपको सीधे ये रास्ता चलना है। इस SGNR चौराहे से आपके वाकेबल डिस्टेंस रहेगी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ आएगा आपका जूनागढ़ फोर्ट। मेरी राइटिंग सबसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कर सकता इसको, चैलेंज नहीं कर सकता। अब इसके सामने से इसको आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना, इसके सामने से आपसे जैसे भी निकलेंगे ना तो यहाँ बीकानेर का हार्ट आएगा, कोट गेट, एक रेल गेट। बहुत अच्छा लगा भाई जी आपसे मिलके, मतलब आपको पता है एकदम एनर्जी बूस्ट होगी मेरे अंदर से ना। कोई नहीं, यूथ को देख के ही तो मेरे को था आप भाई एक्सप्लोर करने जा रहे हो विदाउट मनी, मतलब भाई ना भाई मुझे, मैं जा रहा था यहाँ बैठा हुआ था, मैं क्या है वीडियो अपलोड कर रहा था अपनी, और भाई वहाँ से वापस मुड़ के आया, भाई जी मुझे दोबारा मिल चुके हैं देखो। और ये भाई मुझे यहाँ पे ले आए हैं, ये होटल है रामा होटल, रामा ही है ना, हाँ से पहले हसीरा जो हाँ। ये केनाल, तो ये रामा होटल है यहाँ पे। और ये भाई जी कह रहे हैं कि खाना यहीं पे खाना है, आज भाई जी के साथ ही खाना खाऊंगा मैं, तो ऐसे खाता हूँ मैं खाना, देखो विदाउट मनी, ये है विदाउट मनी। तो यार ये भैया की गलत बात, देखो खाना लगा के बोल रहे हैं कि मुझे काम है, तो खा के जाना पड़ेगा भैया, खा के जाना पड़ेगा यार, घर पे माता जी अकेले व्रत माता जी वो भी इंतजार करें, इसलिए मैं आपसे माफी चाह रहा था। और मिलेंगे, थोड़ा खा के जाओ, थोड़ा खा के जाओ, लेकिन खा के जाओ। बिल्कुल, ये भैया तो यही है, ये भी जा रहे हैं, ये मेरे साथ है, पर ये आपको कंपनी देंगे। अरे यार मतलब खा के जाओ यार आप, कोई नहीं करते। तो भाई अभी खाना खा के फिर मिलते हैं।
खाना खाने के बाद तुरंत मैं वहां से निकल गया और उसके बाद मेरा पावर बैंक लो, फोन लो और कैमरे की बैटरी लो हो चुकी थी और मैं शाम को बीकानेर पहुंच गया था। तो इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बीकानेर से स्टार्ट हो